नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉर्च टेस्ट के बारे में। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, कई लोगों ने नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं। हम इसमें बात करने वाले हैं इस टेस्ट को परफॉर्म क्यों किया जाता है और इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है, और ये सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। प्रैक्टिकल पार्ट भी आपको बताऊंगा टेस्ट को किस तरीके से हम लगाते हैं अपने लेबोरेटरीज में। तो सबसे पहले हम, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं टॉर्च टेस्ट, नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, तो एक्चुअली टॉर्च जो ये नाम पड़ा हुआ है, बहुत सारे पैरासाइट और वायरसेस का एक साथ जब हम टेस्ट लगाते हैं तो उनको जो है मिला करके इस टेस्ट का नाम जो है दे दिया गया है। तो इसलिए जो है इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। तो इसका पूरा जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे नीचे आपको दिख रहा होगा। तो ये पूरा एक पैनल है टेस्ट, जैसे कि ये टेस्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये टेस्ट जो है डॉक्टर सजेस्ट करता है ज़्यादातर, अधिकतर जो है जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको जो है ये सजेशन दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये टॉर्च टेस्ट का हम सबसे पहले तो यहाँ पर डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये टेस्ट में हम कौन-कौन से बीमारियों का या फिर वायरस या पैरासाइट को हम देखते हैं। जैसे टी से टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है, ये पैरासाइट है आपका, और ओ से अदर टेस्ट जैसे एचआईवी, सिफिलिस या मीजल्स इसमें आ जाते हैं, और उसके बाद आर से रूबेला वायरस आता है, और सी से सीएमबी साइटोमेगालो वायरस आ जाता है, उसके बाद एच से हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, एचएसवी जिसको बोलते हैं, HSV-1 और HSV-2 इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये सारे टेस्ट को एक साथ हम परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसका नाम जो है टॉर्च टेस्ट पड़ा हुआ है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये जितने भी हमने ये नाम देखे हैं वायरसेस या पैरासाइट जो है, तो ये क्या है एक्चुअली, प्लेसेंटा को क्रॉस करके आसानी से जो इन्फेंट है, बच्चा जो है पल रहा है गर्भ में, उसको जो है ये इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए ये टेस्ट पहले अगर लगा लिया जाए तो इससे ये मालूम चल जाएगा कि वो इन्फेक्शन किस स्टेज में है, या प्राइमरी है या फिर पहले से ही माँ को इन्फेक्शन ऑलरेडी है। तो इस बारे में डिटेल में पता पहले से चल जाएगा, तो उससे हम मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर जो है पेशेंट को सजेशन करता है टॉर्च टेस्ट के बारे में। तो ये आपको पता चल गया कि हम टॉर्च टेस्ट क्यों लगाते हैं और कौन-कौन से वायरस और पैरासाइट इसमें आते हैं जिसको हमें टेस्ट लगाना है। अब यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन लिख करके दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। द टॉर्च पैनल रैपिड टेस्ट इज ए लेटरल फ्लो क्रोमेटोग्राफिक इम्यूनो एसे फॉर द क्वालिटेटिव डिटेक्शन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ IgG एंड IgM एंटीबॉडीज। अब आपको पता होगा बहुत सारे लोगों ने जो रैपिड टेस्ट हैं आप लोगों ने परफॉर्म किया होगा, उसमें IgG और IgM दो तरीके के डिटेक्शन हम करते हैं रैपिड टेस्ट में। उससे ये मालूम चलता है अगर IgM में लाइन आता है, अगर IgM एंटीबॉडी डिटेक्ट होता है, इसका मतलब उसमें रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है, अभी अभी इन्फेक्शन हुआ है। अगर IgM इनमें से कोई सा भी आता है तो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन स्टार्ट कर सकता है। अगर IgG है मतलब बहुत पुराना इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और बॉडी उसके लिए इम्यून हो चुका है, इसका मतलब ये होता है। तो इनमें डिफ्रेंशिएशन के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम लोग। तो ये है इसका बेसिक, और ये पूरा रैपिड टेस्ट का एक पैनल है, पूरा कार्ड आता है, उसमें अलग अलग जो पैनल में कार्ड लगे होते हैं उसमें हमें टेस्ट लगाने होते हैं। किस तरीके से लगाते हैं आगे हम वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे, तो आपको डिटेल में समझ में कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम टेस्ट किस तरीके से लगाते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बाकी लोगों के लिए ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया इस टेस्ट को परफॉर्म क्यों किया जाता है। अब इस टेस्ट को जो है ह्यूमन के सीरम, प्लाज्मा या फिर होल ब्लड से आप लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होता है सीरम या प्लाज्मा से आप टेस्ट को परफॉर्म करें तो ज़्यादा उचित होता है। अब इस टेस्ट को परफॉर्म हम क्यों करते हैं हमने बता दिया, और उसके बाद किस तरीके से हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, क्या क्या सावधानी हमें रखना होता है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जो जनरल मेरे वीडियोज़ देखते हैं उनको मैं बता दूँ, इस टेस्ट को परफॉर्म करना आप करवा सकते हैं, आपके फ़ायदे के लिए है, ताकि आप इसके लिए अलर्ट हो सकें। अगर कोई इनमें से पॉजिटिव आता है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं, तो ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी परेशानी ना हो, आपके बच्चे को कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये टेस्ट लगवाना ज़रूरी है। आपको
इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। बाकी हम जो स्टडी कर रहे हैं, हमारा पैरामेडिकल फील्ड है, जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट या लैब टेक्नीशियन देख रहे हैं, उनमें से इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा है प्रैक्टिकल पार्ट, किस तरीके से हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से अगर कोई टेस्ट आता है तो आप लोगों को अनजान नहीं रहना है, इस सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मुझे लगा ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए। चलिए हम देख लेते हैं वीडियो में आगे किस तरीके से प्रैक्टिकली हमें इसको परफॉर्म करना है। अब हमारे पास ये दिखाई दे रहा है, पूरा एक पैनल है जो पैक्ड है अभी, और इसको तभी ओपन करना है जब हमें टेस्ट लगाने होते हैं, ताकि कोई भी फॉल्स रिपोर्टिंग के चांसेस ना हो। तो फ्रेश जो है हमें ओपन कर लेना है। तो आपको इस तरीके से जैसे ओपन करेंगे, आपको ये पूरा पैनल दिख रहे होंगे, तो पांचों के पांच सभी में लेबल्ड हैं प्रॉपर तरीके से। और जब भी आप टेस्ट परफॉर्म करें तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखें, पेशेंट का नाम वगैरह सब नोट करें। ये हमारे पास सैंपल है पेशेंट का, हमने सीरम लिया हुआ है इसमें, तो सीरम से हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो लेबलिंग करना ना भूलें, विशेष ध्यान रखें, हर एक पेशेंट का आप लेबल करें। मैं एक टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं, इसलिए आपको ये टेस्ट परफॉर्म करके दिखा रहा हूं, मेरे पास है सैंपल, तो इससे हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और इसके साथ आपको बफर आता है, तो इस तरीके से ये आपका बफर है, टॉर्च टेस्ट पैनल के लिए आपको रैपिड टेस्ट के लिए एक बफर आ जाता है सॉल्यूशन। तो इसको आपको सैंपल लगाने के बाद जो है, सैंपल का ड्रॉप डालने के बाद आपको बफर भी ऐड करना है। किस तरीके से हम ऐड करते हैं वो भी मैं पूरा प्रैक्टिकल पार्ट आपको दिखा रहा हूँ इसमें। तो हमारे पास ड्रॉपर है, ड्रॉपर की मदद से हमने सीरम लिया हुआ है, और इस तरीके से वन ड्रॉप हमने सीरम इसमें ऐड कर दिया है। तो सभी पांचों में आपको वन वन ड्रॉप सीरम ऐड कर देना है, और इस तरीके से आप देखें सैंपल की वॉल्यूम कम ना हो, ध्यान रहे, तो वन वन ड्रॉप आप सैंपल इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, पांचों में आप इसमें मेंशन कर दें। और आप देख रहे होंगे लेबलिंग किस तरीके से, इसमें कंट्रोल की लाइन है, IgG की है, IgM की है, अलग अलग लाइनिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से ऊपर से जो है आपको ये बफर सॉल्यूशन ऐड करना है, 2-2 ड्रॉप, इस बात का विशेष ध्यान रखें, 2 ड्रॉप आप ऐड कर दें इसमें, ताकि कम ना पड़े और आसानी से सैंपल और बफर दोनों आगे बढ़ सकें इस पैनल में, जो भी टेस्ट रैपिड टेस्ट आप लगा रहे हैं उसमें। तो इस तरीके से देखेंगे आप आसानी से जो है ये आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दिख रहा है, तो हमें वेट करना है, तुरंत रिपोर्टिंग नहीं कर देना है। इसमें सारा लिटरेचर जो दिया हुआ रहता है, लिटरेचर को ध्यान से पढ़ना है, क्या क्या सावधानी हमें वो बोलता है, उस बात को हमें विशेष ध्यान रखना है। और लिटरेचर भी मैं आपको दिखाई दे देता हूँ, आप इसको वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं इसको, और क्या क्या चीज़ें इसमें दिया हुआ है। तो सिंपल इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और सारी सावधानियाँ आपको बताया है, किट के बारे में बताया है जानकारी, क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन है, टेस्ट की लाइनिंग बताई हुई है, IgG की लाइनिंग अलग है और IgM की लाइन अलग है, इसमें कंट्रोल की लाइनिंग अलग है। तो कंट्रोल का लाइन आना तो बेहद ज़रूरी है, तभी इसको वैलिड माना जाता है टेस्ट के किट को, उस बात का विशेष ध्यान रखें। तो कंट्रोल में तो सभी में लाइन आना ही चाहिए, अगर किसी में नहीं आता है तो आप इनवैलिड कर दीजिए, उसकी रिपोर्टिंग आप मत कीजिए, उस बात को आप विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आप रिपोर्टिंग देखिएगा, और बाकी सारे ये आप देख सकते हैं किस तरीके से सैंपल का ड्रॉप, वन ड्रॉप डालना है ड्रॉपर से, और बफर सॉल्यूशन आपको सैंपल का डाइल्यूएंट जो आता है वो आपको ऐड करना है। इसके बाद इसमें रिपोर्टिंग किस तरीके से करना है उसके बारे में लिटरेचर में दिया हुआ है, लाइनिंग कैसे ऑब्जर्वेशन करना है आपको, और आपको 10 मिनट के बाद ही रिपोर्टिंग करनी है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 10 मिनट आप वेट कीजिए, प्रॉपर जो है पैनल को आप बिल्कुल बैलेंस में रखिए, सरफेस जो है आपका बिल्कुल समतल होनी चाहिए, ठीक है। तो उल्टा सीधा आपको नहीं रखना है, आप आराम से रख दीजिए उसको, 10 मिनट तक वेट कीजिए, तो उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो आप स्टॉप वॉच चाहें तो स्टार्ट करके रख सकते हैं, और एग्जैक्ट 10 मिनट के बाद आप उसमें रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अभी तुरंत जब देख रहे हैं, तो इसमें देख सकते हैं आप कंट्रोल में सभी में लाइनिंग आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद अभी HSV-1 का आपको IgG में दिखाई दे रहा है एक लाइनिंग केवल, तुरंत जब हम देख रहे हैं, अगर ऐसे रिपोर्ट आप तुरंत दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी आप देखेंगे इसमें 10 मिनट के बाद हम देखेंगे तो किस तरीके से इसमें रिपोर्ट जो है आपको दिखाई देने को मिलेगा, वो भी मैं आपको क्लियर इसमें बताऊंगा। तो रिपोर्टिंग सिंपल देते हैं, जो भी हमारे पास फॉर्मेट होता है उसमें सभी का मेंशन रहता है, IgG IgM, और जिसमें लाइनिंग नहीं आती तो नॉन रिएक्टिव, और लाइनिंग आती है तो उसमें रिएक्टिव दे देते हैं। अब देखिए 10 मिनट हो चुके हैं हमारे कंप्लीट, अब देखिए रूबेला में भी लाइनिंग आ चुका है G1 में, और आप देख सकते हैं
आपके HSV-1 में भी IgG में आपको लाइनिंग दिखाई दे रहा है। तो ये सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, टाइमिंग का ध्यान रखें, रिपोर्टिंग का ध्यान रखें, उचित रिपोर्ट आपको मेंशन करना है। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।